दोस्तों आपको आज हम डेमो देंगे स्टार के एक नए प्रोडक्ट का, जिसका नाम है केबल क्लिंपर। ये जो केबलें हवा में ओवरहेड वायर्स हैं जो बिखरी पड़ी होती हैं जगह जगह पर, उनको ठीक से बाइंड करने के काम में आता है। और इसके थ्रू क्या जितनी भी केबल्स हैं, हम इनको एक साथ में ला के इनको हवा में ही लगे लगे बाइंड कर सकते हैं। तो इसका आपको डेमो दिखाते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसके मेन कंपोनेंट हैं, एक तो ये बाइंडर है, इसके अंदर आगे आप देखेंगे ऐसा चौड़ा मुंह बना हुआ है। तो इसका आइडिया ये है कि केबलों को इसके अंदर ला के इस सर्कल में लेके आनी है। इस सर्कल में जितनी केबलें आएंगी वो बाइंड होंगी। ये इसके पोल्स हैं एक्सटेंशन के लिए, जितना हाइट करना चाहें उतना हाइट कर सकते हैं। ये 4-4 फुट का एक पोल है, 5 पोल लगे हैं, तो टोटल 4, 16 और ये 2, 18 फिट की ये हाइट गेन कर सकता है। और आदमी की जितनी हाइट है उतनी तो है ही, तो 6 फुट समझ लें ऑन एन एवरेज हाथ ऊपर करके, तो टोटल 25 फुट तक आप इजीली इससे काम कर सकते हैं। ये मेन कंपोनेंट है, ये बाकी एक्सेसरीज़ हैं, ये इसका रोल होता है जो इसके अंदर फिट होता है। तो आगे फर्दर हम इसका आपको डेमो दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से एक पोल इसके साथ में जोड़ा गया है, ये मेन बॉडी है। इसको चलाने के लिए यहाँ पहले तो एक ऑन ऑफ का स्विच है, जिसको कि ऑन किया है। इसके पीछे इसकी बैटरी है, यहाँ इसका रोल डलता है। और क्योंकि ये ऊपर काम करना है, तो इसके काम करने के लिए एक रिमोट दिया हुआ है हमने, जो कि नीचे से जब केबल आपकी मैनेज हो जाए तो ये रिमोट का बटन दबाएंगे तो ये केबल्स को बाइंड कर देगा। तो ये जैसे हम आपको अपने बैकयार्ड में दिखा रहे हैं, ये केबल्स ठीक से मैनेज नहीं है, और अब हम इनको ठीक से मैनेज करेंगे। हाँ जी सर, दिखाएंगे डेमो। अभी इन्होंने केबल एक एक करके सारी केबलों को एक साथ में लेके आएंगे। लेके आने के बाद ये अपने रिमोट से इसको ऑन करेंगे। तो ये ऑन करने के बाद उसने इन केबलों को एक साथ में क्रिम कर दिया है। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। आपको ये बात और बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस में ये क्लियर किया है कि अनमैनेज्ड हवा में लटकी एरियल केबल उतार ली जाएंगी, तो इट हैज़ टू बी मैनेज्ड। अब ये केबलों को इन्होंने उसके अंदर लिया और रिमोट से दबा के इन्होंने उसको बाइंड कर दिया। तो बड़ा सिंपल टूल है। इसी तरीके से केबल आप देखेंगे ये बाइंड होती जा रही हैं और सिस्टमेटिक तरीके से चलती जाएंगी। आप देखेंगे सब जगह पर केबल्स फैली हुई हैं, इधर उधर पूरा केबलों का जाल बना हुआ है, तो उसको मैनेज करने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड टूल। तो अब हम इसको क्लोजअप दिखाते हैं कि बड़ा सिंपल और ईजीली काम करता है। ये सपोज आपकी केबल्स हैं, केबल्स जैसी इसके बीच में आती हैं, ये अपना रिमोट से अपना मशीन चालू करते हैं और केबल जो है बाइंड हो जाती है। इस तरीके से इसमें नॉट लग जाती है। ऐसा नहीं है कि केबल ज़्यादा चाहिए, अगर लेट अस से 2 ही केबल्स भी हैं तो 2 केबल भी बाइंड करनी हो तो वो भी इससे बाइंड हो जाती हैं, तो उतनी वो नॉट छोटी बांधेगा। ये देखिए, तो वो नॉट का साइज़ छोटा हो जाता है। एक बारी में यूज़ करने में इसमें करीब 0.5 मीटर वायर यूज़ होती है, और 0.5 मीटर वायर यूज़ से ये चाहे केबल बड़ी हो चाहे छोटी हो, और ये पूरा ही अगर बंच इन्होंने बाइंड करना है तो वो भी इसी के थ्रू बाइंड हो जाता है। जो भी केबल्स होनी है वो इस गोले के बीच में आनी चाहिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। देखिए, तो इस तरीके से ये बाइंड होती जाएंगी, ये नॉट नीचे लगती जाती है और नॉट लगने के बाद ये आगे चलता जाएगा। एक बारी बैटरी फुल चार्ज करने पर करीब 120 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। कार चार्जर्स के साथ उपलब्ध है, बैटरी चार्जेबल है, ये इसका चार्जर है, और बड़ा इजी टू यूज़ इक्विपमेंट है। जितना हाइट बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, अभी इसमें एक एक्सटेंशन है, फर्दर जितनी एक्सटेंशन आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इंक्वायरी के लिए कॉन्टैक्ट करें स्टार इन्फॉर्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड, किसी भी ब्रांच से आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।